मानदेय है तो दर दर भटक रही विद्यालय में कार्यरत बेबा रसोइया ने जनपद सीईओ का दरवाजा खटखटाया। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं तत्काल संदेश गायत्री के साथ। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जनपद सीईओ ने खाता नंबर मैप कराने का दिया आश्वासन। पीड़ित रसोइया ने बताया कि वर्ष 2018 से सरोज कोल नाम की महिला के खाता में जा रहा है मेरा मानदेय। प्राथमिक पाठशाला पंडितान टोला रघुराजगढ़ का है यह मामला। रीवा रायपुर करचुलियान खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद रायपुर करचुलियान से है, जहां जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम पंचायत रघुराजगढ़ के प्राथमिक पाठशाला पंडितान टोला का एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि विद्यालय में लगातार रसोई का काम कोई और महिला कर रही है और मानदेय 5 वर्ष से किसी और महिला के खाते में जा रहा। 11 जुलाई को जनपद कार्यालय रायपुर करचुलियान में अपने बेटे के साथ आई बेवा रसोईया रामकली कुशवाहा पति रामचंद्र कुशवाहा निवासी रघुराजगढ़ ने आवेदन देते हुए जनपद सीईओ को इस मामले से अवगत कराया है। जनपद सीईओ प्रदीप दुबे ने उक्त विषय पर जल्द से जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। रसोईया के साथ आए उसके बेटे ने बताया कि मेरी माता रामकली कुशवाहा पंचायत की तरफ से वर्ष 2013 से लगातार रसोई का कार्य कर रही। वर्ष 2018 तक मानदेय मेरी मां रामकली कुशवाहा के खाते में आया, लेकिन वर्ष 2018 से लेकर लगातार मेरी ही ग्राम पंचायत की महिला सरोज कोल पति हिंदलाल कोल के खाते में रसोइया का मानदेय जा रहा है। यह बात 1-2 महीने बाद पता चली, जब मेरी मां के खाते में पैसा आना बंद हो गया। पता लगाने पर जानकारी हुई कि मेरी मां रामकली कुशवाहा की जगह सरोज कोल का खाता नंबर मैप है, जिसकी शिकायत कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से बीआरसी कार्यालय एवं जनपद कार्यालय रायपुर करचुलियन में की गई, लेकिन कार्यालय के बाबुओं द्वारा हर बार टाल मटोल कर टाल दिया गया। मजबूरन जिसके खाता में मेरी मां का मानदेय जा रहा था, उससे समझौता करना पड़ा। सरोज कोल और उनके पति हिंदलाल कोल, जो कि पूर्व उप सरपंच है, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं अपने खाता से पैसा निकाल कर दे दिया करूँगा, लेकिन उक्त महिला एवं उनके पति द्वारा कभी कभी पैसा दिया गया लेकिन आधा अधूरा। इसलिए आज अपनी मां को साथ लेकर मैंने जनपद सीईओ को आवेदन देते हुए अवगत कराया है और रसोइया रामकली कुशवाहा का खाता क्रमांक मैप कराने का अनुरोध किया। इसका जिम्मेदार कौन है, मैं अब क्या। रीवा से संवाददाता अनुज प्रताप सिंह की रिपोर्ट। मेरी माता से रघुराजगढ़ पंडितान टोला में रसोइया का काम करती है, जिसमें 2013 से खाना लगातार बना रही है। 2018 में इनका नाम पता नहीं कैसे चेंज हो गया, तो मैंने पता कराया तो वहाँ बोले कि रायपुर जाओ बीआरसी में। बीआरसी में जब आया तो यहाँ कागज दिया, डॉक्यूमेंट जितना मांगे पूरा दिया गया। फिर उसके कुछ महीने बाद मैंने यहाँ फिर से पता करने आया कि नाम चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो जब आया तो यहाँ कागज नहीं मिला, बीआरसी में जो कागज दिया गया था वो कागज मिला ही। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर मैं एक आदमी को फिर लेके आया साथ में, तो जब आया तो कागज वो भी साथ में दे गए थे। जब दे गए थे तो फिर बाद में फिर तीसरी बार बीआरसी गया तो वहाँ कागज फिर नहीं मिला। जब वहाँ फिर नहीं मिला तो फिर मैं चौथी बार जब बीआरसी गया, जब वहाँ गया तो वहाँ बोला कि कागज तुम्हारा जनपद में चला गया। जनपद में जब आया तो यहाँ लिस्ट में खाली नाम पड़ा था, पर 4-5 साल बीत गए, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जी, ये आपकी माता जी हैं? माता जी। क्या नाम है आपका? रामकली कुशवाहा। आप काम करती हैं? जी। प्राथमिक पाठशाला है जी। तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं। आज आपने किसको शिकायत की है? आज मैंने सीओ साहब से मिलने आया था। सीओ साहब के आपने आवेदन दिया है? जी, आवेदन दिया। तो क्या आश्वासन मिला? सीओ साहब हमको खाली हमारे इसमें दस्तखत कर दिए, बाकी बोले कुछ नहीं है ना जी।